तो शुरू करें बिना समय गवाए हुए। आज का पहला प्रश्न है, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1953 में। तो चर्चिल काफ़ी फेमस जो प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जनरली अपन लोग क्या तुक्का मारते हैं कि जो नेता वगैरह होते हैं उनको शांति के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिलता है, क्योंकि बराक ओबामा हो या बहुत सारे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि बहुत मतलब कि क्या हुआ कि विभिन्न विभिन्न देशों के बीच लड़ाई हुआ तो उसको शांति वार्ता के तहत स्थगित किया या इस तरह से उसमें इंटरवेन किया, तो इस वजह से उन्हें शांति पुरस्कार दिया जाता है, जैसे बराक ओबामा को भी दिया गया था। तो तुक्का तो यही मारेंगे, लेकिन ये एक प्रकार का राइटर भी हुआ करते थे, यानी कि इनको साहित्य के क्षेत्र में विंस्टन चर्चिल को मिला है क्या नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो कौन थे, जो पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति के लिए मतलब नोबेल पुरस्कार मिला। जैसे भारत के बारे में बात करें तो भारत का प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उसी तरीके से अगर चीन की व्यक्ति को हम बात करें कि सबसे पहला पुरस्कार मिला था तो वो कौन थे, लियो सिया बबो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नाम तो वैसा ही रहता है, लियो सिया बबो। तो कैसे याद रखेंगे, देखिएगा शांति की बात की जा रही है तो सिया, ठीक है, स से शांति, स से सिया, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, देखिएगा महिला दिवस आज मनाया जा रहा है 8 मार्च को, ठीक है। तो 8 तो यहाँ पे रहेगा ही क्योंकि किसान है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, 18 को, 18 जनवरी को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, यानी कि जो किसान महिला होते हैं उनके लिए। याद इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर जन मजदूर नहीं आते हैं खेत में तो जो महिला है घर के वो क्या कहते हैं, अठहरो हम भी आते हैं, ठीक है। जन नहीं आए तो क्या हुआ, अठहरो, अठहरो यानी कि 18 मतलब कि जनवरी, जन नहीं आए तो ये लोग भी जाएंगे खेती करें, कौन, महिला लोग, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, 18 जनवरी को। अच्छा, ये जो हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 आई थी तो उसके पीछे एक कमेटी गठित की गई थी जो सुझाव दिया तब जाके ये लागू हुआ, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा जो तैयार किया था उस समिति का अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरी रंगन। जो अभी का शिक्षा नीति आया है उसमें रंगारंग प्रोग्राम का भी काफ़ी डिमांड रहा, क्योंकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप रंगारंग प्रोग्राम जो होता है, जो कल्चरल प्रोग्राम जैसे आप कह सकते हैं कि स्कूल लेवल पे होता है, डांस वगैरह, पेंटिंग वगैरह, तो उसमें रंगारंग कार्यक्रम पे ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि किताबें कीड़ा बन के रह जाए, और जॉब तो वैसे भी नहीं मिलती है किताब पढ़ने से कम कुछ टैलेंट इधर उधर का रहेगा तो कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर लेगा, ठीक है। कोई यूट्यूबर बन जाएगा तो कोई डांसर बन जाएगा, मतलब कि ये मैं आपको बस याद करने के लिए फनी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कस्तूरी रंगन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रंगारंग प्रोग्राम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी, किस संधि के तहत हुई थी, ये पूछा जाता है। जैसे आपके यूएन के बारे में पूछा जाता है कि कब हुई थी स्थापना, कौन से मतलब कि पहला बार सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो यूरोपीय संघ भी काफ़ी महत्वपूर्ण संघ है क्योंकि इसमें बहुत सारे देश यूरोप के आते हैं, तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। याद कैसे करेंगे, देखिएगा यूरोप के लोग हमेशा मतलब कि ये जो 3 वाला लास्ट में डिजिट होता है उसी में कोई काम करते हैं। जैसे चार्टर एक्ट आता था तो कब आता था, 1773 में आया, फिर 73 के बाद 20 वर्ष के बाद फिर कितने में आया, 93 में आया, 1793 में आया, फिर 20 वर्ष के बाद आया 1813 में आया, फिर 20 वर्ष के बाद 1833 में आया, यानी कि लास्ट में देखिएगा तो यूरोपियन जो लोग हैं वो लास्ट में 3 वाला काम करते हैं, यानी कि हमेशा 3 जो वर्ष होता है। यहाँ पे देखिएगा 1793 में एक आया था चार्टर एक्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से 1893 को भी याद रखिएगा कि इसमें भी कोई ऐसा काम इन्होंने किया कि यूरोपीय संघ की स्थापना कर दिया। और किस, अब देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई तो लोग कहें कि ये क्यों किया भाई,
तो यूरोप वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये मिस्ट्री है, बताएंगे नहीं अभी तुम लोग को क्यों किए हैं। बाद में पता चला कि अच्छा ये इसलिए किए हैं ताकि एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करेगा तो ये माना जाएगा कि ये देश उस पे नहीं आक्रमण किया है, ये पूरा यूरोपीय संघ पे आक्रमण हो गया। तो यानी कि अगर आप एक देश पे कोई पे आक्रमण कर लिए यूरोपीय संघ के, तो आप समझिए कि आपको 60-65 जो भी देश है उसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिस्ट्री वाली बात थी। तो इस तरह से याद रखेंगे कि मास्ट्रिच जो संधि है उसके तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यूएन से रिलेटेड है। 26 जून 1945 में कैलिफोर्निया में चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन में कितने देशों ने हस्ताक्षर किया। देखिए एक प्रश्न ये बनता है जो कि आपके एनटीपीसी में आए कि जो यूनाइटेड नेशन गठित हुआ था उसके कितने संस्थापक सदस्य थे। तो उसके संस्थापक सदस्य 51 थे। कोई भी शुभ काम होता है तो क्या कहते हैं कि 51 हो या 101 हो इतना दान करना चाहिए। तो ये यूनाइटेड नेशन कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये शुभ काम करता है, हमेशा शांति बनाता है या लोगों को जैसे कि WHO है दवाई सप्लाई करता है, तो ये अच्छा काम करता है। यानी कि इसके संस्थापक देश 51 है। लेकिन जब ये शुरुआत हो रही थी तो सिर्फ 50 देशों ने ही इसके जो कैलिफोर्निया में मीटिंग हुई थी उसमें हस्ताक्षर किया था। बाद में कुछ दिनों बाद इसके जो पोलैंड है वो कॉन्फ्रेंस में नहीं था, लेकिन बाद में साइन करके 51 ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन यूएन बना। यानी कि एक प्रश्न ये बनता है कि ओरिजिनल मेंबर शुरुआत में कितने थे, 51 थे। लेकिन अगर ये वाला वर्ड दे दिया जाए कि कैलिफोर्निया में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये 50 देशों ने, ठीक है। बाद में पोलैंड जुटा था, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। अगला क्वेश्चन है युराल पर्वत जो कि मध्य रूस में है, कि सर्वोच्च चोटी क्या है। तो युराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी, जैसे कि अगर हम बात करें हिमालय की सर्वोच्च चोटी, आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, उसी तरीके से अगर युराल पर्वत की हम बात करें जो कि मध्य रूस में है, तो युराल है, तो युराल मध्य रूस में है। तो अब रूस जिसके पक्ष में रहेगा वो किसी से नहीं डरेगा, तो यानी कि नारडनिया, ठीक है। नारडनिया युराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। अगर हम बात करें कमचटका पर्वत जो कि रूस में ही है, तो कमचटका पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट क्लेचा सोकाया, क्लेचा सोकाया, इस तरह से सोकाया सोपका, ठीक है। कमचटका सोपका, इस तरह से याद रखिए, कमचटका सोपका राइमिंग बना रहे ना, लास्ट में काका है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कमचटका पर्वत कहाँ पे है, तो कमचटका पर्वत भी रूस में है। एक और प्रश्न बन जाता है, माउंट जेबेल टैकाल किसका सर्वोच्च चोटी है, एटलस पर्वत की, और एटलस पर्वत कहाँ पे है ये आपको पता है, अफ्रीका में है। खान अब्दुल गफार खान का जो नाम है, उपनाम आप कह सकते हैं, बाई नेम जिसको हम कह सकते हैं, कौन कौन से है, बादशाह खान भी बोला जाता है, बच्चा खान भी बोला जाता है, सीमांत गांधी तो इनको बोला ही जाता है, जो कि आपको पता ही होगा। आशा करते हैं चीज़ें याद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।